नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। तालिबान कर रहा है अमेरिकी सैनिकों की हत्या। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं जिस तरह तालिबान वहां पर आम नागरिकों ही नहीं बल्कि वहां पर अमेरिकी सैनिकों की भी हत्या कर रहा। इसको देखते हुए बाइडेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए हैं और बड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। अब तालिबान का द एंड होने वाला है क्योंकि अमेरिका ने कमर कस लिया है कि अब तालिबान को मिटाना है क्योंकि वो अमेरिकी सैनिकों की हत्याएं कर रहा है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अमेरिका गुस्से में नज़र आया है। बता दूं आपको, जिस तरह से आज तालिबान कर रहा है अमेरिकी सेना के सहयोगियों की हत्या, इंटरप्रेटर का सिर कलम कर दिया है जिसको देखते हुए अमेरिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आया है। बता दूं अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले एक अफगान इंटरप्रेटर सोहेल पारदीस का तालिबान ने सिर कलम कर दिया। पारदीस उन हज़ारों अफगानों इंटरप्रेटरों में से एक थे जो अमेरिकी सेना के लिए काम कर रहे थे और आज अमेरिकी सेना के लिए काम करना उनको भारी पड़ गया जिसकी वजह से उनको मौत की घाट उतार दिया गया। बता दूं तालिबान ने अमेरिकी सेना का सहयोग करने वाले अफगान नागरिकों की हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया है। सेना के साथ इंटरप्रेटर के रूप में काम करने वाले सोहेल पारदीस काबुल में रहता है। वो ईद पर खोस्त प्रांत जा रहा था, उसके वाहन को रास्ते में आतंकियों ने रोक लिया, पहले उसे गोली मारी और बाद में उसका सिर कलम कर दिया। बता दूं आपको, सीएनएन के अनुसार पारदीस के दोस्त ने बताया कि उसे तालिबानी आतंकी कुछ समय से धमकी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम अमेरिकी जासूसी और उनकी आँख कान हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ज्ञात हो कि अमेरिका को इस बात की आशंका है, इसीलिए उसने वीज़ा प्रक्रिया तेज़ कर दी है। कुछ ही दिनों में 2500 अफगान सहयोगी और उनके परिवार को अफगानिस्तान से ले जाने की योजना है। उन्हें वीज़ा प्रक्रिया पूरी होने तक वर्जीनिया के सैन्य अड्डों पर रखा जाएगा। जून में जारी अपने एक बयान में तालिबान ने कहा था कि वह विदेशी ताकतों के साथ काम करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तालिबान के एक प्रवक्ता ने सीएनएन को बताया कि वो घटना के बारे में अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें दिखाई घटनाएं कुछ हैं जो उन्होंने कहा, कुछ घटनाएं वैसी नहीं हैं जैसी उन्हें दिखाई जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने सीएनएन से बात की उन्होंने कहा कि उनकी जान अब खतरे में है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद बदला लेना शुरू कर दिया है। यानी कि जिसने भी तालिबान से पंगा लिया, जिसने भी तालिबान के ख़िलाफ़ काम किया है, उनको मिटाने के लिए अमेरिका जिनको मिटाने के लिए तालिबान पूरी कोशिश कर रहा है। और ख़ास तौर पर जो लोग विदेशों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के लिए काम कर रहे हो, चाहे अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, चाहे रूस के लिए काम कर रहे हों, किसी के लिए भी अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको तालिबान छोड़ने वाला नहीं है। बता दूँ आपको, तालिबान ने अफगान कॉमेडियन को मारा। कंधार प्रांत में तालिबान ने मशहूर कॉमेडियन नज़र मोहम्मद की हत्या कर दी। वो खासा जवान के नाम से प्रसिद्ध थे। अफगान सेना ने हवाई हमलों में 20 तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया। INIS के अनुसार बात करें तो अफगान सेना ने कुंदूज शहर पर कब्जा करने आए तालिबानी आतंकियों को खदेड़ भी दिया है। बता दूं आपको, यहाँ पर NI के अनुसार अमेरिकी सीनेट ने 8000 अफगान सहयोगियों को वीज़ा देने की स्वीकृति दे दी है। ये वीज़ा उन अफगान नागरिकों को दिए जाएंगे जो 20 साल में अमेरिकी सेना के सहयोगी बनकर काम कर रहे थे। इनमें दुभाषीय, ड्राइवर, इंजीनियर या ऐसे ही कई सहयोगी रहे हैं। 4 माह में 36,000 परिवारों का पलायन। बता दूँ आपको, NI के अनुसार अफगान सरकार ने कहा कि बढ़ती हिंसा से नागरिक दहशत में पलायन कर रहे हैं। पिछले 4 माह में 36,000 से ज़्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं आतंकी उनके परिवार को नष्ट न कर दें, कहीं आतंकी उनको मार न दें। इसी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और पलायन कर रहे हैं। और पलायन का सिलसिला केवल जो है तालिबान के लोग ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं, इसीलिए वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, डर रहे हैं कहीं उनको तालिबान निशाना न बना ले, कहीं तालिबान उनको मार न दे, इसीलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आज इस तरह से अमेरिका का सहयोग करना कई लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इन तालिबानियों ने निशाना बना दिया है और उनको मासूमों को मारना काटना भी शुरू कर दिया है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। और आज फिर एक बार तालिबान जो है बेनकाब हुआ है। तालिबान पर अमेरिका ने
बहुत विध्वंस तरीके से एक हवाई हमला किया, एयर स्ट्राइक की, जिसमें कि तालिबान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए हैं। तो कह सकते हैं कि तालिबान का द एंड शुरू हो चुका है। तालिबानों का अब जिस तरह से उन्होंने हिंसा फैलाई, आक्रामकता दिखाई, उन सब पर अब अमेरिका की नज़र बन चुकी है और अमेरिका मिटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने मासूमों को मारना, काटना, हिंसाएं करना, जबरन कानून लागू कर देना, जिस कानून की अनुमति नहीं दी जा रही वो कानून भी लोग लागू कर दे रहे हैं, जिसको लेकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा उग्र हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इससे मुक्त होना है, हमें तालिबान का शासन नहीं चाहिए। और जैसे ही अमेरिकी सैनिकों की वापसी होने लगी, वैसे ही ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे तालिबानी, क्योंकि उन्हें पता था अमेरिका जा रहा है तो हम अपना मनमाना करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम हमारी जो इच्छा होगी हम वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका गया तो अपने सैनिकों को उसने खारिज करा दिया, लेकिन अब भी प्रहार जारी है, अभी भी वो बचने वाले नहीं हैं। अभी भी तालिबान को मिटाने, अलकायदा को मिटाने के लिए अमेरिका भागने वाला नहीं है, क्योंकि अगर यहीं पर आज ट्रंप होते, बाइडेन की जगह पे आज ट्रंप होते तो नज़ारा कुछ और होता। आज इनको चुन चुन कर मारा गया होता, आज इनके जो आका बैठे हुए हैं इनके आकाओं को भी ठोंका जाता और आतंकवाद का नाम निशान मिट जाता, क्योंकि ट्रंप इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले इंसान भी हैं। तो इसीलिए आज जो सहयोगी अमेरिका के मारे जा रहे हैं वो अफगानिस्तान के ना मानिए, बल्कि उन्हें आप अमेरिका का ही मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने इस रिस्क पे काम किया था, इस एग्रीमेंट पे काम किया था कि उनकी जान की रक्षा अमेरिका करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज उनको भी जान गंवानी पड़ रही, जिससे कि इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि हमें बचा लीजिए, हमारे परिवारों को बचा लीजिए, अन्यथा ये लोग हमें मार देंगे। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, डर इसीलिए क्योंकि लगातार ये धमकियां मिल रही हैं, इस तरह की बयानबाजी कर दी गई है कि जो भी अमेरिका के लिए या विदेशों के लिए काम करेगा वो हमारा दुश्मन होगा और उसे हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। इन्हीं सबको देखते हुए वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, हताश और निराश नज़र आए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।